देखो यहाँ तक लास्ट टाइम में पढ़ा था हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से आपने क्या निकाल रिलेशन सीख लिया कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे अगर फील्ड इंटेंसिटी गिवन हो, ठीक है। अब इसका एक स्पेसिफिक केस देखेंगे कि मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है। अगर मान लेते हैं आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो आप एक बहुत ही सिंपल से फार्मूले से भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना। अगर आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी तो बहुत ही सिंपल फार्मूला अप्लाई करके भी निकल सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकलेगा देख लीजिए एक बार। वो बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है जैसा आपने कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन लिखा था आपने, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। VA माइनस VB इक्वल टू माइनस B2A E वेक्टर EG वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है ना। अब मान लिया आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो आपको इंटीग्रेशन इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कैसी कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये आपने निकाला था VA माइनस VB इक्वल टू माइनस B इनटू A EG वेक्टर डॉट DL वेक्टर। तो अब मैं कह रहा हूं कि इफ EG वेक्टर इज कांस्टेंट, इफ EG वेक्टर इज कांस्टेंट, अगर आपका EG वेक्टर कांस्टेंट है तो आपको क्या इतना बड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। आप इजी वेक्टर को लिख दीजिए, मान लीजिए, अरे यार मैं किसी को बना रहा हूँ, देख लो आप एक बार इसको बनाओ। ये देखो आयुष को बना रहा हूँ, आयुष को होस्ट बना। आयुष अब आप अंदर जो भी आया उसको अंदर ले लेना, ठीक है। गुंजन आ रही है, गुंजन को आप एडमिट करा दो। हाँ तो इजी वैक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है। ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। आयुष एडमिट कर लेना बेटा, है ना। हाँ इजी वेक्टर इज कांस्टेंट, तो इजी वेक्टर आ गया आपका ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ये कांस्टेंट है आपका, ठीक है। और डीएल वेक्टर को आपने क्या लिख दिया, डीएल वेक्टर को लिख दिया डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, इसको उठा के रख दो आप इसमें, और क्या दिख जाएगा सब आपको। बी से ए क्या हो जाएगा, ये ई एक्स डी एक्स हो जाएगा, ई एक्स डी एक्स डॉट प्रोडक्ट प्लस ई वाई। तो ये सब आपको याद हो चुका है क्योंकि कांस्टेंट फोर्स जब होता है तो मैं एक जनरल डेफिनेशन से, वर्क की जो जनरल डेफिनेशन है, माइनस बी टू ए सॉरी ए टू बी एफ वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है ना। इस जनरल डेफिनेशन से जो आपने एफ वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर पर शिफ्ट करते हैं आप कांस्टेंट फोर्स के वर्क में, तो ये वही चीज है कि वी ए माइनस वी बी ई एक्स कॉन्स्टेंट है आपका तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट मान लो आप है एक्स वन वाई वन जेड वन, और बी का मान लो एक्स टू वाई टू जेड टू, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था आपको, जबकि इलेक्ट्रिक सो आपका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो क्या था, कॉन्स्टेंट था। तो आपने कैसे लिखा, माइनस बी टू ए, उसको हटा दो अब, डायरेक्ट कर दो। ई एक्स कॉन्स्टेंट है तो आपको पता है क्या आने वाला है, सब बच्चे कर चुके हैं एक एक बार ही, सीपीए वालों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थोड़े दिन पहले ही कराए, तो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि इसमें कैसे हमारा ये ट्रांसफर हो जाता है किस पर। अब ये क्या बन गया आपका, देखो ये बन गया एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या होगा ए बी वैक्टर होगा कि नहीं, बी ए वैक्टर होगा, उल्टा हो गया, माइनस ई एक्स टू डी एक्स, हाँ एक्स वन माइनस एक्स टू होना चाहिए था, गलत लिख दिया, लिमिट जब डालेंगे तो वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू, ये होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर है आपका, बी ए वेक्टर यही होगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। देखो एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू और जेड वन माइनस जेड टू लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू और जेड वन माइनस जेड टू लिखा हुआ है इस तरीके,
तो बेसिकली ये बी ए वैक्टर लिखा हुआ है पोजिशन। देखो दिक्कत तो नहीं आती किसी को इसमें भी। बी ए वैक्टर है मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस बी ए वैक्टर को आप क्या लिख दोगे, माइनस बी ए वैक्टर को ए बी वैक्टर लिख सकते हैं क्या? तो ये आप याद रखोगे हमेशा कि अगर आपका फील्ड कांस्टेंट है, सेम 12th में करेंगे बेटा, एकदम कोई डिफरेंस ही नहीं, सेम फार्मूले सेम रिलेशन, तो आप अभी से इनको बहुत अच्छी तरह याद करेंगे तो वहां पर आप बहुत जल्दी चलेंगे। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर, अगर आपका फील्ड कॉन्स्टेंट है ठीक है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस आप ऐसे लिखेंगे वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर। तो किसी भी बच्चे को बेटा डेरिवेशन में थोड़ी भी दिक्कत तो मुझे बताए तुरंत, ठीक है ना, कि अगर आपका फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वी ए माइनस वी बी विल बी इक्वल टू ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर।